छतरपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बड़ी सौगात मिली है। पन्ना रोड पर डॉक्टर सुनील शर्मा क्लिनिक के पीछे एक 40 बिस्तर वाले अत्याधुनिक अस्पताल का शुभारंभ किया गया। हॉस्पिटल का शुभारंभ कलेक्टर संदीप जीआर, एसपी सचिन शर्मा और सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया सहित डॉक्टर एमपीएन खरे की मौजूदगी में हुआ। हॉस्पिटल के संचालक शुभदीप रिची और मनदीप मेडिया ने बताया कि इस 40 बिस्तर वाले अस्पताल में अत्याधुनिक वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, गंभीर मरीजों के लिए इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 24 घंटे मरीजों को इलाज मिल सकेगा और ऐसे गंभीर उपचार के लिए झांसी ग्वालियर नहीं भागना पड़ेगा, जिससे उनके पैसों की बचत होगी। हॉस्पिटल के डायरेक्टर मनदीप मेडिया का कहना है कि बहुत जल्द ही गरीब मरीजों का इलाज भी आयुष्मान कार्ड से यहां पर होगा। ये एक ऐसा अस्पताल है मेनली यहाँ पे जो गंभीर रोगी होते हैं उनको हम क्रिटिकल पेशेंट बोलते हैं, जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, वैसे पेशेंट के लिए ये मेन अस्पताल रखा गया है, जहाँ पर आईसीयू और आईसीसीयू की सुविधा है। मॉडर्न ओटी रखा गया है, बहुत सारे मरीजों को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेके ऑपरेशन करके आईसीयू में शिफ्ट करना होता है, ये उनके लिए सुविधा होगी। जैसे बहुत सारे मरीजों को दिल का दौरा पड़ गया, नकवा आ गया, मिट्टी के दौरे पड़ गए, सांस की दिक्कत हो गई, ऐसे हालत में यहाँ आसपास में जिला अस्पताल के अलावा और कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें यहाँ से अगर कहीं जाना है तो झांसी और ग्वालियर पहुँचते जो महत्वपूर्ण समय था वो निकल जाया करता था, और जिससे बहुत सारे मरीजों की जान चली जाया करती थी। हमारा एक बड़ा आईसीयू झांसी में भी है, तो हम पूरी झांसी की टीम यहाँ पर दूसरा आईसीयू स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि छतरपुर में ऐसी कोई भी बीमारी के लिए सुविधाएं नहीं है, यहाँ से झांसी और ग्वालियर जाना पड़ेगा। अब कम से कम हम वो जो समय है, जो महत्वपूर्ण समय है, उसको हम बचा पाएंगे और उस समय में मरीजों का इलाज हम यहाँ जल्द से जल्द कर 40 बेड का ऑप्शन खोल लेंगे और हमारा भविष्य में इसे और एक्सपेंड करके 100 बेड तक ले जाने का अपना प्लान है। शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर एमपीएन खरे ने बताया कि वास्तव में यह अस्पताल छतरपुर ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित होगा। खास बात यह है कि डॉक्टर शुभदीप व्यवहारिक और मिलनसार हैं और ये बुंदेलखंड जनता की स्थिति को देखकर मानवता दिखाकर इलाज करेंगे। छतरपुर के लिए सौगात है, मेरा तो ये मानना है। अभी तक होता क्या था, कोई भी मरीज यदि एकदम से सीरियस होता है तो झांसी के लिए भागना पड़ता है, इसमें कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे का समय, और उसके अलावा फिर झांसी में मैनेज करने में बड़ी परेशानी होती है। तो अभी डॉक्टर शुभदीप, डॉक्टर मनदीप और डॉक्टर मनदीप की वाइफ हैं, उन्होंने जो मिलकर ये यहाँ पर सेटअप डाला है, निश्चित रूप से छतरपुर के लोगों को, यहाँ के जनता को और ख़ासतौर से यहाँ पर जो क्रिटिकल पेशेंट परेशान होते थे या समय पर इलाज न मिलने की वजह से उनके साथ कुछ अनहोना हो जाता था, तो उस चीज़ के लिए निश्चित रूप से ये छतरपुर के लिए बहुत बड़े सौगात है। और एक इंटेलिजेंट डॉक्टर और एक ऐसा डॉक्टर जो कि सबसे मिलनसार है, उसकी भावनाएँ अच्छी है कि हम यहाँ पर पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर तो जनता की सेवा करने आए हैं, जो हमारे पास काबिलियत है उसको हम जनता को देने के लिए आए हैं। उनके इन भावनाओं के साथ में यहाँ के सभी चिकित्सकों का भी उनको सहयोग प्राप्त होगा और यहाँ की जनता खुद देखेगी। अब इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, समय बचाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर शुभदीप और डॉक्टर मनदीप छतरपुर के लिए कुछ दिनों के बाद यहाँ के बहुत लाडले हो जाएंगे। इस मौके पर अस्पताल में सेवा देने वाले डॉक्टर आलोक शर्मा, डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर आशुतोष पल्मोलॉजिस्ट, डॉक्टर निकेत जैन यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर प्रीति गुप्ता आईवीएफ एक्सपर्ट, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल शिशु रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर प्रतीक शिवहरे डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद रहे।